स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो पे एंड आई होप आप लोग सब कोई बहुत बढ़िया होंगे। तो आज क्योंकि जगन्नाथ जी का दिन है तो हम लोग इस्कॉन कोलकाता जा रहे हैं। तो गाइस कुछ रीजन से हम लोग को यहाँ पे पहुंचते थोड़ा लेट हो गया था एंड क्योंकि आज जगन्नाथ जी का दिन था, रथ यात्रा है, तो जगन्नाथ जी यहाँ पे थे नहीं। ये मंदिर आने के लिए आप लोगों को ना एल्गिन रोड आना पड़ेगा एंड वहां से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे आप लोगों को इस्कॉन मंदिर कोलकाता मिल जाएगा। यार इस्कॉन कोलकाता ना काफी ज्यादा सुंदर है, आप लोगों को जरूर आना चाहिए। मैंने इसीलिए अंदर का क्या व्यू है सारा चीज मैंने कैप्चर किया है जितना मुझसे हो सका, फोन अलाउड नहीं था। आप लोग इंजॉय करो एंड जहाँ लगेगा मुझे जहाँ मुझे कुछ बताने का जरूरत है मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो स्थान आप लोगों को खाली दिख रहा है ना, वहाँ वही स्थान पे जगन्नाथ जी विराजते हैं। वो अभी थे नहीं क्योंकि वो रथ यात्रा पे निकले हुए थे, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि हम लोग ने रथ यात्रा के दिन ही, इस पावन दिन के दिन ही हम लोग इस्कॉन जाने की सोचे थे। ये रूम जो है ना, ये मेडिटेशन रूम है, यहाँ पे लोग बैठकर मेडिटेट करते हैं। श्री कृष्ण राधा जी का दर्शन के बाद ही हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो मैंने ये वीडियो शूट किया था ताकि जो लोग आने की सोचते हैं एंड जो लोग देखना चाहते हैं कोलकाता का इस्कॉन कैसा दिखता है अंदर से, तो मैंने बस उस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाया एंड आई होप आप लोग